इसी कड़ी के साथ हम हमारी अगली कहानी देखते हैं। अरे ओ तांगे वाले, अरे ओ तांगे वाले, कोई सवारी ववारी मिली कि नहीं? अरे चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में भोपाल से गाड़ी आएगी। किस्मत बढ़िया हुई तो रुकेगी भी और हमें सवारी भी मिलेगी। क्या पता भैया, सुबह से बिक्री ही नहीं हुआ है। देखे ऐसे। अरे यहाँ कितनी कड़ी धूप है। हाँ हाँ हुजूर, बहुत कड़ी धूप है। छाता इधर करो। इतनी धूप में गांव जाने का साहस नहीं कर सकता, शाम को जाऊंगा। अरे यहाँ तांगे वाले कितने कम है और उतरने वाले तो उससे भी कम। मैं फिर भी किसी तांगे वाले से शाम के बारे में पूछ लेता हूँ। वो वाला? हाँ उसे बुला लीजिए। नहीं ये वाला, नहीं नहीं ये वाला सही रहेगा। अरे भैया इधर आइए। हाँ हुजूर आया। नहीं नहीं हुजूर, उसे मत बुलाइए। क्यों? उसके पास घोड़ा है, मुझे घोड़े से डर लगता है। सलाम हुजूर। मुझे गांव जाना है पर मैं अभी धूप में ना जाऊंगा, शाम को जाऊंगा। क्या तुम रुकोगे? हाँ हाँ हुजूर रुकूंगा। किराया कितना होगा? हुजूर आप जो देना चाहे वही दीजिए। फोकट में छोड़ोगे? शांत रहो। हमें किराया बताओ। हुजूर यही तो 6 रुपए होंगे। इतना ज्यादा सिर्फ 2 लोगों के लिए? हाँ हुजूर, चाहे तांगे में 2 आदमी जाए चाहे 4 आदमी जाए, दाम वही रहेगा। हुजूर आप किसी से भी पूछ सकते हैं। पर इतना तो मैं नहीं दे सकता। इसीलिए तो मैंने कहा था हुजूर, आप जो देना चाहे वही दे दीजिए। ठीक है। क्या हुजूर? ये लीजिए। ये रख लो, हम वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं, शाम को 5 बजे मिलेंगे। जी हुजूर। ये तांगे वाला कुछ अलग था, इससे मिलकर मुझे कुछ अलग ही जज्बा महसूस हुआ। चलिए हुजूर, बात करी धूप है। लगता है भैया सवारी मिल गई। हाँ हाँ तो मिल गई। Give me a cup of tea. जी। Be quick. Take. How much? 5 paisa. 5 paisa. 10 paisa. Hello. Will you take me to Rampur? Oh, why the hell are you staring at me? Bloody Indians! हुजूर, मैं क्या कह रहा था, उस तांगे वाले से कहकर घोड़े की जगह गधा लगवा लेते। अरे काका आपके होते हुए गधे की क्या जरूरत? मजाक कर रहे हैं। चलिए भैया। जी हुजूर। वैसे हुजूर एक बात कहूँ, सफर बहुत लंबा है और आपको भूख भी तो लग सकती है, तो अगर आप खाने के लिए कुछ सामान बांध ले तो अच्छा होगा। हाँ हाँ ठीक है हुजूर, मेरे लिए भी बांध लीजिएगा। हाँ ले लीजिए, सामान रखवा दीजिए। नमस्कार साहब। क्या है? लिट्टी चोखा और सरसों की साग है, थोड़ा बांध कर दे दीजिए। हाँ जी क्यों नहीं, ये लीजिए। ये लीजिए। धन्यवाद। हुजूर ये मत लीजिए। क्यों? मैं नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना ले रहा हूँ, अपने लिए ले रहा हूँ। भैया थोड़ा बांध कर दे दीजिए। जी साहब। ये लीजिए बिस्कुट। ये रख लीजिए। धन्यवाद। थोड़ा दे दीजिए हुजूर। चलिए भैया। वैसे हुजूर गाँव तो सिर्फ 23 मील दूर, तो वैसे तो सिर्फ 2 घंटे लगने चाहिए, पर क्या है ना, स्टेशन से 2 मील बाद कच्ची सड़क लगती है, सो मोटे तौर पर लगभग 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। हम कितने मील आ चुके हैं? अरे हुजूर हम तो बस 7 मील आए हैं। हम अपना वतन स्वाधीन बना लेंगे, हम अपना वतन स्वाधीन बना लेंगे, हम अपना वतन स्वाधीन बना लेंगे। तुमने गांधी टोपी पहनी है।
क्या तुम क्रांतिकारी हो? अरे नहीं नहीं हुजूर, मैं कोई क्रांतिकारी नहीं, मैं तो बस एक साधारण तांगे वाला हूँ। तुम कितने सालों से तांगा हाँक रहे हो? हुजूर यही कोई 5 सालों से। वो क्या है ना, मुझे किसी और की नौकरी करने में अच्छा नहीं लगता। तबीयत हुई तो जोता, ना हुई तो बैठे रहे, किसी की ताबेदारी नहीं, अपने मन का राज। हुजूर यहाँ आराम कर लीजिए, इस नदी का पानी बहुत साफ और बहुत मीठा है। और कहते हैं कि सन 57 के गदर के दौरान तात्या टोपे फिरंगियों की सेना को चीरते हुए यही से नदी के पार चले गए थे। तात्या टोपे? हाँ हुजूर, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहते थे, पर फिरंगियों की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। पर फिर भी वो इतने तेज थे, इतने फुर्तीले थे कि 5-5 फिरंगी अफसरों के चंगुल से भाग गए अपनी सेना समेत, और उनका कोई कुछ भी नहीं कर पाया हुजूर। फिर क्या हुआ? हुजूर अगर सन 57 के गदर के दौरान हिंदुस्तानियों में एका होता तो पासा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूटे जो न कराए सो थोड़ा, मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हमें में से धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर उन फिरंगियों के हवाले कर दिया। कौन खाता है जोर? ये बात सोचकर। क्या तुम पढ़े लिखे हो? बहुत कम हुजूर, हिंदी ठीक पढ़ लिख लेता, अंग्रेजी लिटिल लिटिल। पर जब मैंने सन 57 के गदर का इतिहास पढ़ा, कैसे अंग्रेज आए और फैल गए पूरे हिंदुस्तान में, तब से हुजूर बदले की भावना में दिन रात जलता रहता हूँ। इसीलिए सरकारी नौकरी नहीं की। मेरा बाप डीसी में अर्दली था, मुझे भी वही नौकरी मिल रही थी, पर मैंने ठोकर मार दी, माँ बाप नाराज हो गए, इसलिए मैंने घर ही छोड़ दिया। तब से मैं यहाँ हूँ, ये तांगा चला रहा हूँ। और हाँ हुजूर, मैं अपने इस तांगे पर कभी भी किसी फिरंगी को नहीं बिठाता। क्यों? फिरंगी को ना बैठाने की कसम क्यों खा ली तुमने? हुजूर सन 57 के गदर के दौरान उन फिरंगियों ने क्या कम जम के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। लेकिन हुजूर ये तो सन 57 की पुरानी बात है, जाने दीजिए, अभी की बात है। पंजाब में क्या उन्होंने कम कांड किए? जलिया वाले बाग को कोई कैसे भूलेगा? घाव अभी ताजा है और इन फिरंगियों को देखते ही इस घाव पर नमक पड़ जाता है हुजूर। चलिए भैया सफर आगे बढ़ाते हैं। चलिए हुजूर। वैसे तुम्हारे विचार बिल्कुल क्रांतिकारियों जैसे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामदास है। किसी क्रांतिकारी को जानते हो रामदास? नहीं नहीं हुजूर, मैं किसी क्रांतिकारी को तो नहीं जानता, पर मैंने उनके नाम सुने, जीवन चरित्र भी पढ़े, पर उनमें भी मुखबीर बनने वाले लोगों की कमी नहीं, वरना उन्होंने भी अभी तक कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में कई दिन शरीक रहा हो, 2 बार जेल भी जाकर आया हो, पर तबीयत नहीं मानती, मेरे अंदर से जैसे तो एक पुकार उठती है, गदर। रामदास, पर हम निहत्ते बदला कैसे ले सकते हैं? सन 57 की बात ही कुछ और थी, तब हमारे पास हथियार थे, परंतु अब तो हम बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं। हुजूर यही तो बात है, हमने जबान खोली, हमारे ही भाई बंधुओं में गिरफ्तार करने पहुंचे, हमें वैसे हमें दंड सुनाने वाले आए। अगर यही सब एक साथ मिलकर काम करे तो हुजूर हथियार उठाने की भी जरूरत नहीं, हमारा स्वराज हमारे ही मुट्ठी में जाने। पर अगर 10 लोग सच्चे जी से काम करने को तैयार है तो 20 लोग धोखा देने को तैयार रहेंगे, वरना क्या आपको लगता है कि मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर शासन कर पाते? अरे रुकाओ रुकाओ रुकाओ, ये आवाज कहां से आई है? अरे हुजूर ये भी सन 57 की आवाज है। मतलब? हुजूर आप बहादुर शाह जफर को तो जानते ही होंगे। हाँ हाँ, कौन नहीं जानता उनको। हाँ तो हुजूर, जब सन 57 के गदर के दौरान बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था, तब उनके सारे शहजादों को मार दिया गया था, और उन शहजादों की जो बेगमें थी उनके जेवर जवाहरात लूट कर उन्हें जंगलों में छोड़ दिया गया था, ये उन्हीं में से एक है हुजूर। मतलब ये बहादुर शाह जफर के घर की शहजादी है? हाँ हुजूर। तो मुझे उनसे मिलाओगे ना? मुझे उनसे बात करनी है। मिलाता हूँ हुजूर, मैं मिलाता हूँ।
वो तुम्हें कैसे जानती हो? अरे मेरे जो दादा थे वो वहाँ पे वजीर आजम थे। हाँ। चलो चलते हैं। लाता हूँ। अरे शहजादी जी अब कैसे हैं? तुम कौन हो? भूल गए होंगे। अरे शहजादी जी कैसे हैं आप? हम ठीक है रामदास, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक ही हूँ शहजादी जी। वैसे शहजादी जी, ये हुजूर बहादुर शाह जफर के बारे में कुछ जानना चाहते थे। बहादुर शाह जफर, मेरी जुबानी सुनोगे तुम जफर की कहानी? आओ आओ गांव वालों आओ। क्या हुआ शहजादी जी, क्या हुआ? आओ जमाते हैं मंडली, गाते हैं गाना, सुनाते हैं कहानी दास्ताए जफर। आओ आओ तुम्हें सुनाते हैं दास्ताए जफर। दास्ताएं जफर। हाँ, कि बहादुर शाह जफर थे, कौन क्या थे, कैसे थे? बड़ी काठी बड़ी सोच, बड़ा राजा बड़ी दाढ़ी। अरे आगे बढ़ाओ गाड़ी। हाँ, बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं। मुगल बादशाह था इतना महान, उसकी चर्चा करता था सारा हिंदुस्तान। चलते थे जब खिलते थे बाहर अंगुल, जनता देख मचाती थी शोरगुल। महफिल भी सजी हुई। इरशाद इरशाद इरशाद। महफिल भी सजी हुई। आप थोड़ा पान खा लेते हैं पहले? हाँ हाँ खाते हैं खाते हैं। गाने गाओ पर बड़े बड़े शायर आते थे, उस महफिल में बादशाह जफर भी सुनाते थे। इरशाद इरशाद इरशाद। भरी है दिल में जो हसरत, कहूँ तो किससे कहूँ? वाह 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 वाह। सुने है कौन मुसीबत, कहूँ तो किससे कहूँ? वाह 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 वाह। ना मुझ में कहने की ताकत, कहूँ तो किससे कहूँ? ना इसमें सुनने की फुर्सत, कहूँ तो क्या कहूँ? वाह 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 वाह। बड़े 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 लंबी लंबी उनकी गजल, लंबा उनका खिलाफ और लंबा उनका नाम। एक दिन दिया सारे राजाओं को फरमान भेज, दौड़ के आओ दिल्ली जरा तेज। पहुंच कश्मीर बनारस और जम्मू से, हैदराबाद बरोचा राजस्थान से। सबने मिलके कहा कि ऐसा होगा काश, नहीं चलेगा अब कहीं भी अंग्रेजों का राज। बहादुर शाह जफर बने सिपा सलारे जंग, तात्या टोपे झांसी रानी राजा प्रजा के संग। और ऐसे शुरू हुआ सन 57 के गदर का सफर। तो ये है वो दास्ताए जफर, ये है वो दास्ताए जफर, ये है वो दास्ताए। चलिए हुजूर चलते हैं। चलिए चलिए। हम सबको अपनी छोटी जिंदगियों में से थोड़ा समय निकाल कर देश को देना चाहिए, क्यों लक्ष्मण भाई? बिल्कुल मोहन बिल्कुल। तुम आओ बैठो, हाथ मुंह धो लो,
मैं तब तक कुछ चाय पान की व्यवस्था करता हूँ। मोहन ने ये जो आजादी की लड़ाई और खाने की किल्लत की बात करी, इससे मुझे सुभद्रा की उस कहानी की याद आई। ये उन दिनों की बात है, तब आजादी की लड़ाई में सुभद्रा पूरी तरह जुड़ी हुई थी। और जब भी कभी कहीं से खबरें आती कि पुलिस वालों ने किसी सभा में लाठियां चलाई, तो उसे बहुत दुख होता। वो अक्सर ये सोचती कि ऐसे भी क्या नौकरशाही के गुलाम बनकर अपने ही भाइयों पर अत्याचार करो। उसके लेखन और उसके विचारों से ये साफ जाहिर होता है कि उसे ऐसे लोगों पर दया आती कि वे पेट के कारण लाचार थे। वो अक्सर ये कहती कि ऐसे भी क्या नौकरशाही के गुलाम बनकर अपने ही भाई बहनों पर अत्याचार करो। नफरत नहीं, घिन आ रही है।
मेरी इन हाथों की लकीरों में एक हत्यारे की लकीर जुड़ गई है, कैसे जिंदा रह पाऊंगा मैं इस गुनाह के साथ? बुंदे, बुंदे, मार डाला, अब उन्हें मेरे दोस्त को मार डाला। क्या बुंदे सच कह रही है? क्या आपने सच में गोबू को मार डाला? नहीं जुनेदा, मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वहाँ उस तंगे में गोबू भी हो सकता है। मुन्नी, मैंने जानबूझकर किसी को कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर देना। अबू आपने ये क्या कर दिया? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। या खुदा, ये कितना बड़ा गुनाह कर दिया आपने। खूबू बिल्कुल हमारे बेटे जैसा था। मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के पास, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त चाहिए। मुन्नी, मुन्नी को बताओ। Yeah.
शामिल हुआ था और लाठी चार्ज ने उसका सर फोड़ दिया साहब, सर फोड़ दिया। अब मैं इस टोपी का क्या करूं? ये मैं आपको फेर देने आया हूं साहब।